दोनों सेम 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 वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं कुछ एडेसिव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जो एडेसिव का यूज वुडन फ्लोरिंग के ऊपर टाइल्स को चिपकाने के लिए, फिक्स करने के लिए किया जाता है, और इसका दो तरह का मटेरियल है जो दोनों को मिला के कंप्लीट प्रोपोर्शन तैयार किया जाता है, वो सब बताऊंगा। और एक काम क्या चल रहा है उसके अलावा, टाइल्स चिपकाने के अलावा ये लिफ्ट लॉबी जो एंट्रेंस होता है बिल्डिंग का, उसका काम चालू है। तो उसमें और क्या क्या एक्टिविटी चालू है वो पूरा आगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा। ये कुछ देखिए, वुडन सरफेस है जो कि आरसीसी के ऊपर वुडन सरफेस को फिक्स किया गया, उसके ऊपर अब टाइल्स चिपकाने का काम हो रहा है। पैनल वाइज जो साइज है उससे टाइल्स चिपकाने का काम हो रहा है। उस पर मटेरियल कौन सा यूज होता है वो दिखा रहा हूँ। ये XIN 900 है, ये एरल्डाइट कंपनी का ब्रांड है जो कि XIN 900 है, जो एपॉक्सी हार्डनर है। और दूसरा वाला जो मिक्स है वो सेम कंपनी का एरल्डाइट का ही है, वो XIN 100 है जो कि रेजिन है। उसका नाम रेजिन है, मींस हार्डनर और रेजिन को मिला करके ये कंप्लीट एडेसिव तैयार किया जाता है, जिसको टाइल्स के ऊपर लगाने के बाद उसको फिक्स कर सकते हैं आप वुडन फ्लोरिंग से, बिल्कुल पकड़ लेता है। और ये देखिए, दूसरा भी कुछ काम चालू है यहाँ पे, ये जिप्सम बोर्ड में होल करके लाइटिंग लगाने का काम चालू है, छोटे छोटे बल्ब जो कि काफ़ी फोकस और देखने में ब्यूटीफुल रहते हैं। वो लिफ्ट लॉबी में स्पेसिंग इनका करीब करीब एक एक से डेढ़ से दो मीटर के डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है। वो जिप्सम बोर्ड को उसी साइज का, बल्ब का जो साइज है उसी साइज का होल बना ले रहा है। और ये सीजन थोड़ा सा रेनी है, तो रेनी सीजन में ये लिफ्ट लॉबी का काम चालू है। सामने कुछ दूसरे साइड में जा रेनी सीजन में ही उस स्लैब के नीचे वहाँ पे वेल्डिंग का काम चालू है जो कि चमक रहा था। और ये आगे देखिए कैसे कैसे इन्होंने घोल को तैयार किया। ये इन्होंने बताया कि 5 मिनट तक इसको मिक्स करते हैं। पहले देखिए कितना पतला था घोल, जो कि अब धीरे धीरे मिक्स करने के बाद काफ़ी थिक हो गया है। ये देखिए 5 मिनट तक लगभग मिलाना चालू रखा है इन्होंने। इसके बीच में उन्होंने दूसरे जो इनके साथी वर्कर हैं वो सामने टाइल्स का मेजरमेंट ले रहे हैं किस साइज का पैनल हो। देखिए एक अलग ही काम चालू है, ये बल्ब फिक्सिंग करने का काम चालू है। बल्ब लगा दिया है और जो लूप वायर है उसको अब ये अंदर की ओर पुश करने के लिए उसको साइज का कट कर लिया है होल बल्ब के साइज का, और अब वायर को अंदर पुश कर रहे हैं। अंदर पुश करके वो फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद भी मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये हाई राइज टावर का एंट्रेंस जो होता है लिफ्ट के सामने का पैसेज, जहाँ पे हम लोग लिफ्ट का आने के लिए वेटिंग करते हैं, उस एरिया का काम का वीडियो लिया गया है। और उसमें और भी एक्टिविटी चल रहा है, जिप्सम बोर्ड के ऊपर पुट्टी का काम चालू है जो कि वाइट कलर का, ये देखिए ये पुट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। ये एडेसिव अभी अप्लाई कर रहे हैं, टाइल्स का जो पैनल जिस साइज का कट किया है उसके ऊपर एडेसिव अप्लाई कर रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग के ऊपर इसको चिपकाने का काम करेंगे। और इन्होंने बताया है काफ़ी ब्रांड नेम फेम है, एरल्डाइट ब्रांड जो है उससे लास्टिंग इसका सही रहता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको चिपकाने से देखिए, अभी अप्लाई करने के बाद इसको चिपका के एकदम से तुरंत नहीं छोड़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए बाकी के पैनल चिपकाया गया है पहले इसी के सहारे, पैनल के बीच में कुछ स्पेसर है यूज किया है इन्होंने, कुछ गैप है 10 से 7 mm के बीच में एक गैप है जो कि एक स्पेसर आता है, उतना ही सेम स्पेस हर एक पैनल के बीच में रहेगा, हर टाइल्स के बीच में उतना ही स्पेस क्रिएट होगा जो कि उसको देखने में अच्छा लगता है, इसके लिए स्पेसर का यूज करते हैं। और एक पैनल दूसरे से सटता नहीं है तो
और भी देखने में ठीक लगता है। वैसा ही डिजाइन दिया हुआ है इनका ड्राइंग में। और ये चिपका नहीं था तो ट्रायल में इनका चिपका नहीं था, दोबारा वुड पे भी, प्लाईवुड पे भी कुछ एडहेसिव का यूज कर लिया है। और ये कंप्लीट प्रोसेस को आप लास्ट तक देखिएगा कैसे चिपका है। कुछ लिफ्ट का सीन दिखा रहा हूँ, दो लिफ्ट है इसमें हाईराइज टावर में। ये सारे पूरा लिफ्ट का एरिया में बाकी का यूज हो चुका है, टाइल्स सेम प्रोसेस लग चुका है। अभी इंट्रेंस पे लगाया जा रहा था, ये दूसरे तरफ देखिए और भी काम चालू है। ये देखिए XIN 100 है जो कि सेंट्रल रेजिन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये भी मिक्स में यूज होता है। और दूसरा वाला आपको XIN 900 दिखाया था पहले, इसका डिटेल आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। और ये टाइल्स दूसरे बार में इनका चिपक गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।